It's with great pleasure that I'd like to now invite Shri J.P. Dalal, Minister of Finance and Town and Country Planning and Estates, Government of Haryana, to kindly please deliver the keynote address. And before we hear from him, if I could please invite Mr. Rohit Chadha back on stage, sir, to felicitate the Honorable Minister this evening. Huge round of applause, ladies and gentlemen. Honorable Minister, over to you. ET now conclave jo reality se sambandhit hai isme upasthit hamare sabhi media ke log real estate se sambandhit builder bhai aur sathiyo mera saubhagya hai ki aapne mujhe yahan par aamantrit kiya aur मैं समझता हूं कि रियल इस्टेट जो है देश की डेवलपमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 एक विकसित भारत का संकल्प लिया है और उसके लिए पूरी तरह से डेवलप्ड जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हर आदमी के पास घर हो, सभी सुविधाएं से युक्त सारी मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो और स्मार्ट सिटी हो, ये सपना पूरा करने में सरकार और आप लोगों का पूरा तालमेल हो तभी यह संभव हो सकता है। रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जो संस्था है नेडको, हरी बाबू जी जिसके अभी इसके बारे में बता रहे थे, मैं समझता हूं कि ये बिल्डर्स और सरकार के बीच में तालमेल करने के लिए अच्छी संस्था है और हरियाणा सरकार जब भी कोई सुझाव आपसे आता है बड़ी गंभीरता से उस पर विचार करती है और जहां तक संभव होता है उसको मानती भी है। हरियाणा के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन से गुड़गांव का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। एक पूरा मिलेनियम सिटी जो निकला है इसमें देश के बिल्डर्स का बड़ा सहयोग है, डेवलपर का बड़ा सहयोग है और जो गुड़गांव की डेवलपमेंट है वो एक बेंचमार्क है। वर्ल्ड क्लास यहाँ पर सारी ऑफिस स्पेस हैं, वर्ल्ड क्लास यहाँ पर अपार्टमेंट हैं, गोल्फ कोर्स हैं, बहुत सारी जो सुविधाएं दुनिया में कहीं भी होती हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। हरियाणा सरकार उसने भी जो रेरा का कानून हुआ पास उसको लागू किया, दो अपने अथॉरिटी बनाई, गुड़गांव के लिए एक अथॉरिटी और पंचकुला के लिए दूसरी अथॉरिटी और सुविधाएं देने के लिए कि आपको अप्रूवल्स लोकल लेवल पर हो जाएं, शहरों के अलग से हमने जीएमडीए, एफएमडीए, सोनीपत की डेवलपमेंट अथॉरिटी, अम्बाला की, पंचकुला की, हिसार की, ये अथॉरिटीज़ हमने बनाई हैं और कोशिश की है कि आपको अप्रूवल लोकल लेवल पर मिल जाए। इससे जो चंडीगढ़ आपको आना जाना या गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेरेंस हो और लोकल लेवल पर ऑफिसर जो हैं आपको अप्रूवल दें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमने बहुत सारी अप्रूवल्स को टाइम बाउंड किया है और इसके लिए अलग से एक अथॉरिटी बनाई है हमने कि अगर कोई वक्त पर आपको अप्रूवल नहीं मिलती तो ऑटोमेटिक मोड में अप्रूवल डीम्ड अप्रूवल मानी जाएगी और कोई अगर अधिकारी
टाइम बाउंड उसके अंदर नहीं कार्रवाई करता तो हम उसके अंदर कार्रवाई भी करते हैं। हमारा मकसद यही है कि सरकार का इंटरफेरेंस कम से कम हो, अप्रूवल टाइम पर हो और करप्शन की संभावनाएं कम से कम हो, और उसी का परिणाम है कि बहुत सारे जो बिल्डर्स हमारे हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन चैलेंज भी है, चैलेंज है लैंड प्राइसेस, लैंड एग्रीगेशन। पहले हम एक्वायर करते थे लैंड, लेकिन लिटिगेशन में जाती रहती थी, उसकी एनहांसमेंट आती रहती थी और अनसर्टेनिटी बनी रहती थी कि लैंड की प्राइस फाइनली कस्टमर को, अपार्टमेंट ओनर को क्या पे करना पड़ेगा। अब उसके लिए भी हमने पॉलिसी बहुत सारी चेंज की है, लैंड पोलिंग पॉलिसी लेके आए, लैंड ओनर से कोलैबोरेशन की आपको अलाउ किया, और टीओडी की अलग से पॉलिसी लेके आए, टीडीआर की एक अलग से पॉलिसी लेके आए। जो जो सुझाव आपसे आते रहते हैं हम उन पर विचार करते हैं, और हमारा मकसद यही है कि सरकार और डेवलपर का तालमेल हो और कंज्यूमर को एक अच्छी क्वालिटी का टाइम बाउंड उसमें घर मिले और क्रेडिबिलिटी जो है बिल्डर की बने, जिससे कि हम ये समझते हैं कि एक अलॉटमेंट लेटर बिल्डर का, वही उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी हो जाए कि बैंक उसको एक्सेप्ट करे, फाइनेंस उससे मिलने लग जाए और कहीं कोई हैंकी पैंकी या शेकी कोई चीज़ गड़बड़ की संभावनाएं ना रहे। तो इस दिशा में जितने भी सुझाव आते हैं हम उसको मानते रहते हैं। ये सही है कि शहर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ईडीसी की ज़रूरत है, कुछ पैसे की ज़रूरत है स्टाम्प ड्यूटी के रूप में। हरि बाबू जी कह रहे थे कि भाई बहुत सारे जीएसटी के रूप में ये जाता है, उसके रूप में ये जाता है। सही है, सरकार को रेवेन्यू की ज़रूरत होती है और आपको भी रेवेन्यू की ज़रूरत है। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो आप कहाँ से बिजनेस को डेवलप करेंगे। लेकिन हम वो पैसा इधर उधर नहीं ले जाते, उस पैसे से के अलावा बजट से भी पैसा दे करके डेवलपमेंट में लगाते हैं। एक हरि बाबू जी ने मुद्दा उठाया कि जो हमारी क्वालिटी मैन पावर का या अनएम्प्लॉयमेंट का, मैं भी मानता हूं कि हमारे यहाँ अच्छे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, पेंटर की शॉर्टेज है और क्वालिफाइड जो लोग हैं वो कहीं बाहर चले जाते हैं, लेकिन ये सभी काम सरकार नहीं कर सकती। ये काम आप नेडको भी कर सकती है, आप अपनी इंस्टीट्यूट चला सकते हैं। आपको ज़रूरत है अच्छे प्लम्बर की, आपको ज़रूरत है अच्छे इलेक्ट्रिशियन की, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस करते हैं कि ऐसे हजारों स्किल्ड मैन पावर आप तैयार करें। सरकार से कोई जो हेल्प चाहिए, जो अप्रूवल चाहिए, जो सर्टिफिकेशन चाहिए, वो हम आपको देने के लिए तैयार रहते हैं। तो मिलजुल करके ही हम देश को आगे बढ़ाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि देश के अंदर रियल एस्टेट का फ्यूचर बहुत अच्छा है, हमारे देश की इकोनॉमी बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है, हाउसिंग की, ऑफिस स्पेस की, कमर्शियल स्पेस की डिमांड बढ़ रही है, और इस को मैं समझता हूँ कि हम मिलजुल करके इसको पूरा करें। हरियाणा सरकार जहाँ तक भी संभव है, कोई भी फैसला जो बिल्डर फ्रेंडली हो, कंज्यूमर फ्रेंडली हो, वो करने के लिए तैयार रहती है। हमारे यहाँ मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि जो ग्लोबल सिटी अभी बनने जा रहा है, वर्ल्ड क्लास है, HSIDCA के द्वारा बनाया जा रहा है, 1000 acres से ऊपर का, मैं समझता हूँ कि देश के अंदर सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर होगा ये, और इसकी
जो हम FAR भी बढ़ाया है, सारी डेवलप भी इसको कर रहे हैं साथ साथ, लोकेशन भी बेस्ट है, और इसके ये सही है कि ऑक्शन के द्वारा हम दे रहे हैं, लेकिन इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसमें ऑल अप्रूवल इन प्लेस हो, आपको ऑक्शन के बाद कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने प्रोजेक्ट को तुरंत उसको लॉन्च कर सकते हैं, तो एक अच्छा मौका है, मैं इसके लिए भी आपको आमंत्रित करता हूं। और गुड़गांव, सोनीपत, फरीदाबाद जो NCR है, हाउसिंग की ज़बरदस्त डिमांड है, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हमने अलग से पॉलिसी बनाई है, बिल्डर्स के नेडको से आपकी डिमांड आई थी कि कुछ प्राइस बढ़ाई जाए, वो भी हमने स्वीकार करके पीछे बढ़ा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बैलेंस बढ़ा के चलना कि अफोर्डेबल रहे, वो बिल्डर को भी फायदा हो, कंज्यूमर को भी वो मिल जाए, ठीक प्राइस पे प्रॉपर्टी मिल जाए, उसकी भी कोशिश हम कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने छोटे प्लॉट की दीनदयाल आवास योजना के तहत योजना लेके आए, जिसमें छोटे छोटे प्लॉट करके फ्लोर बना करके बेच सकते हैं, और उसमें FAR भी हमने थोड़ा पहले से ज़्यादा किया, चार्जेस बहुत कम किए, तो बहुत सारी ऐसी जो प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर सेंक्शन हुए, जिससे छोटे जो एंड यूज़र हैं, छोटे कंज्यूमर हैं, उनको सुविधाएं मिलती रहे। आगे भी हमारी कोशिश ये है कि हाउसिंग कैसे अफोर्डेबल हों, कैसे कम कंज्यूमर की जो पेइंग कैपेसिटी है उसके अंदर वो पहुंच में रहें, और जो आपने ये सजा दी है कि भी इंटरेस्ट रेट कम किया जाए, ये सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, लेकिन आपके कोई रिप्रेजेंटेशन आएगी तो हम उसको जरूर केंद्र सरकार को भेजेंगे। हमारी कोशिश ये है कि हमारा देश आगे बढ़े, और रियल एस्टेट का जो कारोबार है, जो करोड़ों लोगों को रोज़गार दे सकता है, बहुत सारी इंडस्ट्री को चला सकता है, और किसी भी देश के निर्माण में रियल एस्टेट डेवलपर का पूरा योगदान है। तो आपका मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर मैं स्वागत करता हूँ, और जो भी आप सुझाव देंगे उसके हम पूरी सहानुभूति पर विचार करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि मिलजुल करके हरियाणा को एक मॉडल स्टेट बनाएं, हरियाणा को, क्योंकि हरियाणा की लोकेशन हमें एडवांटेज है, दिल्ली के तीन तरफ हम हैं, और दिल्ली को आगे बढ़ने में, आगे जो डेवलपमेंट में हरियाणा की ज़रूरत है, तो उसके आपके सहयोग से जैसे जैसी योजनाएं आपको चाहिए आप हमें रिप्रेजेंट करिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपके हिसाब से, जिससे कि आम आदमी को सुविधा हो, सरकार को भी सुविधा हो, सबके लिए विन विन सिचुएशन हो, ऐसी योजनाएं हम आपके लिए बनाएं। मैं आपका, आपने मुझे बुलाया, और पहला एक इनक्लेव है, ETNAO का और इनके सहयोगियों का पूरा धन्यवाद करता हूं, और अपेक्षा करता हूं सभी से कि हम मिलजुल करके प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है देश को विकसित भारत बनाने का, उसमें सभी सहयोग करेंगे, सबका योगदान होगा, हमारा देश विकसित होगा। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके बहुत आभारी हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहे, कुछ पल और बने रहें। एक इस मौके पर हम एक फोटो आप लेना चाहेंगे हमारे सारे डिग्निटरीज के साथ। सो इफ आई कैन प्लीज नाउ इनवाइट ऑल ऑफ आवर डिग्निटरीज बैक ऑन स्टेज। ऑनरेबल मिनिस्टर, अगर आप वापस हमारे साथ जुड़े रहें तो एक फोटो आप हम ले सकते हैं। ऑलराइट, और उनके साथ मिस्टर रोहित चड्डा, काइंडली प्लीज डू जॉइन अस ऑन स्टेज। श्री जी हरि बाबू, ऑल्सो प्लीज डू जॉइन अस। श्री अंकित गौर, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आइंस टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड, थैंक यू सर। श्री विशाल रहेजा, CMD of Investu Expert Advisors Private Limited. Shri Sajjad Rizvi, Founder and Chairman of OneXtel Communication Media. Shri Hemant Sood, Founder and Chairman of the Institute of Indian Interior Designers.
Shri Kaifi Bharti, CEO of Heights Group, and Nikhil Singhal, MD and founder of Vigor Media. And let's have a huge round of applause for all of our dignitaries, ladies and gentlemen. It's a special moment, and we're capturing it together. Thank you for joining us, sir. It's moments like this that we treasure here at the ET Now Dotton Realty Conclave and Awards. Wonderful, wonderful. I think we've captured this special moment. Huge round of applause, and kindly do take your seats, gentlemen. Thank you so much for obliging us.